नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती के सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए
मुरझाते हुए नहीं देख सकते। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए लखनऊ से अगली खबर है। बताते चले कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2023 को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर एक सप्ताह के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को स्थापना दिवस के मौके पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बताते चले कि कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी की, फिर कश्यप महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया से बातचीत भी करते हुए नजर आए। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में 80 में से 80 सीट जीतेंगे, तो वहीं उन्होंने पूरे देश में 400 से अधिक सीट जीतने का भी दावा किया है। आगरा जिले में एनएसयूआई ने लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च निकाला गया। इसमें दर्जनों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उनके पुतले को छीनने का प्रयास किया, जिसमें कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी सामने आई है। फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर तो सभी ने देखी होगी। फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के एक सीन में दो बच्चों को आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध वेंडिंग और गाइडिंग करते हुए देखा गया था, तो आगरा में लपकों के खिलाफ अभियान चला दिया गया, लेकिन फिर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब पर्यटन थाना प्रभारी रीना चौधरी ने एक बार फिर अभियान शुरू कर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। पर्यटन पुलिस ने अभियान की शुरुआत करते हुए ताजमहल के पूर्वी गेट पर शोरूमों के बाहर खड़े होकर पर्यटकों को आवाज लगाने वाले चार बच्चों को रोका और उन्हें समझाया। सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन की मदद से काउंसलिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिन बच्चों के परिजन लिखित में बच्चों से काम ना करवा के उन्हें पढ़ने के लिए आश्वासन देंगे, उन्हीं को बच्चे सुपुर्द किए जाएंगे। रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि गांव के बाहर खेतों के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, तो वहीं आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताते चले कि यह पूरा मामला बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुर समुदा गांव का है। यहाँ समुदा में है खाले गांव जी, और काट लकड़ी उकड़ी में आग लगी थी जी। हाँ, जिसको हम लोग बता दिए जी, अब वापस जा रहे हैं। आग पर काबू पा गए? हाँ। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बताते चले कि स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग की मिलीभगत के चलते डग्गा मार वाहन आम जनता को मौत के मुंह में डाल रहे। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों पहले रोड हादसे हुए, जिन्हें नजरअंदाज करते हुए प्रशासन डग्गा मार वाहन और बैटरी चालित रिक्शा चालकों को खुले में छूट दे रहे, तभी ये सब नियम कानून को ठेंगा दिखाकर रोड पर ओवरलोड करके दौड़ रहे। इन्हें ना तो पुलिस का भय है और ना ही आरटीओ का। आश्चर्य तो तब होता है जब बैटरी चालित रिक्शा, जिसमें चार सवारी का परमिट होता है, 20-20 सवारी भर के रोड पर दौड़ रहे, लेकिन इन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है।
अलीगढ़ जिला कारागार में स्मार्ट सिटी के तहत हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गई। आज इस हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन करने के लिए कोल विधायक अनिल पराशर और शहर विधायक मुक्त राजा संजीव पहुंचे, जहां उन्होंने हेल्थ एटीएम मशीन का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप भी कराया, जिससे इस मशीन की सत्यता जानी जा सकी। नगर निगम के माध्यम से एक हेल्थ एटीएम कारागार को प्राप्त हुआ है, और जो कि बंदियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है, उसी के अनुक्रम में माननीय विधायक कोल और सदस्य जो है, दोनों विधायक और विधायिका मैम उपस्थित हैं, और आप लोगों के माध्यम से उसका लोकार्पण हुआ है हेल्थ एटीएम का, और बंदियों के हितार्थ इस प्रकार की सेवाएं सुपुर्द की गई। साथ ही नगर निगम में उद्यान के माध्यम से और स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर कारागार में जो बेंचेज बन रही हैं, फोल्डेबल सीमेंटेड बेंच, वो लगभग 50 नग हम लोग यहाँ से नगर निगम को सुपुर्द कर रहे हैं, और जनपद अलीगढ़ में जो कारागार से बेंचेस बनी हैं वो विभिन्न जनपद वासियों के लिए जो है रहेगी, जिससे कारागार का भी सुधार होगा और बंदियों का मनोबल बढ़ेगा। आज जो है अलीगढ़ जनपद कारागार में बंदियों की विशेष सुविधा के लिए, बंदियों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए और मल्टी डिसीज हेल्थ चेकअप के लिए एक यहाँ पर एक हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है। मैं समझता हूँ जिसके द्वारा बहुत कम समय में बहुत सारी बीमारियों का एक प्लेटफॉर्म पर डायग्नोस और जांच संभव हो सकेगी। मैं उसके समझता हूँ कि 40 से ज़्यादा बीमारियाँ इसमें 4 या 5 मिनट के अंदर डायग्नोस हो जाएंगी। और जिस तरह का अलीगढ़ गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम के द्वारा रंगदारी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 सोने का हार बरामद किया है। सिटी पर 4 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 386 में, जिसमें वादी ने बताया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसकी लड़की को दरार धमका करके उससे लगातार गहनों और आभूषणों की बात की जा रही है। इसी क्रम में कुछ लोग उसकी लड़की को डरा करके और सोने के आभूषण उससे ले करके और चले गए हैं, और जाते हुए जान से मारने की धमकी दे करके। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव जंगल में बबूल के पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ। बताते चले, ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का है, जहां देर रात करीब 11 बजे यहां गांव के रहने वाले एक युवक, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जाती है, वो घर से लड़ाई झगड़ा करके बाहर शराब पीता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका शव जंगल में पाया जाता है। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में युवती की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास करने का मामला सामने आया, तो वहीं अब पुलिस हत्या के बाद युवती की शिनाख्त नहीं कर पा रही है। बताते चले कि बदमाशों ने महिला के चेहरे को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस अब महिला की शिनाख्त नहीं कर पा रही है। हालांकि कार्रवाई जारी है। थाना सैरपुर को सूचना आता है कि सरोरा गांव में एक खेत में एक लड़की का जली हुए लाश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचता है और जांच शुरू करता है, क्योंकि बॉडी जले हुए हालत में है, पहचान नहीं हो पाया अभी तक। पूरा कानूनी कार्रवाई पूरा करके बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। बिजनौर के चांदपुर में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं देर शाम हुई निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए मृतक के शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। फिलहाल घटना में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चांदपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि अंकित नामक युवक की डेड बॉडी मुकेश की दुकान में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अंकित के परिजनों को सूचना दी गई, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया।
मुकेश को हिरासत में लिया गया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि उसका मृतक अंकित के साथ पैसों का लेन देन था, इसी कारण उसने अंकित को अपनी दुकान पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। रायबरेली में निर्माण कार्य में लगी ट्रैक्टर मिक्सर मशीन पर बैठे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बता दें ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गोरिया गड़ी गांव के पास का है। तो वहीं यूपी के हमीरपुर से अगली खबर है। बताते चले कि हमीरपुर में 5 साल के बच्चे का नदी में उतराता हुआ शव बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक बच्चा परिजनों के साथ आते समय गायब हो गया था। तो वहीं जब बच्चे का शव नदी से बरामद हुआ तो परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस ने पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ